एक्चुअली क्योंकि नैना को अभी करण की प्रॉब्लम पता चल गई है, और नैना फाइंड आउट करती है कि जो दवाइयाँ करण को दी जा रही थी वो एक्सपायर्ड हैं, और सबकी सब ऐसा उसने देखा था अपनी आँखों से। एंड फाइनली वो कन्फ्रंट करती है, क्योंकि उसे पता है दवाइयाँ मासीमा ला कर देती है, तो मासीमा को कन्फ्रंट करती है, जहाँ पर नैना झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि करण सेम दवाइयाँ लाता है जिनकी आई मीन जो आउट ऑफ डेट नहीं होती हैं। तो नैना को बहुत डांट पड़ती है और सबके नज़रों में वो गिर जाती है। जी जी वो एक एक सबूत जब इकट्ठा हुआ है तभी फाइनली नैना ने डिसाइड किया कि मैं कन्फ्रंट करूँगी, क्योंकि पहले कलर्स और उसके बाद करण, जब नैना और करण बाहर जाते हैं तो काओ से जो वो डरता है, वो उसमें भी नैना को समझ में आता है कि इसमें भी कुछ संध्या ने उसको हमेशा से डरा कर रखा है। तो जब उसको दो तीन चीज़ें मिली उसके बाद उसने फाइनली जाके कन्फ्रंट किया, बट इट्स वेरी सैड कि सबके नज़रों में नैना ही गिर गई और बुरी बन गई। जैसे देखा गया कि नैना के खिलाफ तो सभी परिवार हो गए, लेकिन दादाजी साथ में। जी दादाजी भी, दादाजी को पूरी बात नहीं मिला। दादाजी तो है ही ऐसे इंसान कि समझने की कोशिश करते हैं दूसरों का, और वो जानते कि नैना जो भी है कुछ इसने गलत नहीं किया होगा, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी उनकी नज़रों में भी ये नहीं है कि नैना सही है, बिकॉज ऑब्वियसली दवाइयाँ जो करण ला कर दिखा रहा है वो उसमें डेट सब कुछ ठीक है। तो इस टाइम तो आई थिंक वो बहुत ही डाउन एंड आउट है अभी, तो उसे पहले खुद को संभलना पड़ेगा, उसके बाद वो देखेगी कि मतलब इतना गलत तो नहीं हो सकता उसकी भी नज़र कि सारी दवाइयाँ जो पहले एक्सपायर थी अब ठीक है। तो इसमें भी आई थिंक वंस उस अभी तो वो बहुत इमोशनली हर्ट है, वो ठीक होती है, तो आई थिंक वो समझना चाहेगी इस बात को। थैंक यू, वेलकम।